सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि कुछ लोग जो हैं वो डोगरों का अपमान करना नहीं बोलते और वो महाराजा गुलाब सिंह और राजा दयान सिंह को अपनी गलती बताते हैं कि उन्होंने गद्दारी की, लेकिन उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की थी। जब रणजीत सिंह का राज चला गया तो जब दूसरे लोग आए तो वो आपस में ही उनका परिवार लड़ने लगा, और उस वक्त पीएम दयान सिंह थे। पीएम दयान सिंह को भी पंजाब का महाराजा बना सकते थे, क्योंकि महाराजा के बाद पीएम का ही नंबर आता है, और वो उस वक्त पूरे पंजाब सूबे के प्रधानमंत्री थे दयान सिंह, जो कि एक डोगरा राजपूत थे। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने हमला कर दिया उधर से, और राजपूत भी उसमें एकदम मारा गया। तो उसका बदला भी लिया था राजा दयान सिंह की मौत का, राजा हीरा सिंह ने बहुत सारे इनके परिवार के लोगों को ही मारा था। लेकिन जब ये अंग्रेज़ों से हार गए तो उन्होंने पहले भी सिंधी कर रखी थी रणजीत सिंह ने, जो कि 1807 में कर रखी थी अंग्रेज़ों के साथ। तो उसके बाद जब अंग्रेज़ों से हार जाते हैं तो फिर इनको अंग्रेज़ 1 करोड़ रुपए का वो लगान लगाते हैं, लेकिन उसे लगान ही लिया गया। और उसके बाद जो जम्मू के राजा थे गुलाब सिंह, इन्होंने उनका जो पैसे थे 1 करोड़ देने थे, उसने 75 लाख रुपए दे दिया और इनकी इज्जत बचाई, और बदले में इनकी इज्जत बचाने के बदले में क्षत्रिय समाज को डोगरा कौम को जो गाली देते हैं, जो कि डोगरा डायनेस्टी थी जिन्होंने इनकी इज्जत बचाई। ये खुद अंग्रेज़ों से हार गए, अंग्रेज़ों के लिए लड़ने वाले भी राजपूत थे, और राजपूतों से हारने के बाद जो यूपी बिहार के राजपूतों से हारने के बाद ये कांगड़ा चले गए थे, और वो जो कि राजपूत लैंड है, और जहां पर महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से 75 लाख रुपये में ये सारा इलाका खरीद लिया था। अब बात करें कि अगर राजपूत अगर तुम्हारे गद्दार होते थे, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए 75 लाख क्यों देते, और पूरे कश्मीर को ही खरीद लिया, और जम्मू पहले तो जम्मू के राजा थे फिर कश्मीर को खरीद कर जम्मू कश्मीर के राजा बने। अगर वो गद्दार थे तो तुम बता, सिख धर्म का जो संस्थापक थे जो गुरु नानक जी, वो एक कालू मेहता उनके पिता का नाम था, वो एक राजपूत राजा के मुनीम थे, खत्री परिवार से थे, मुनीम थे, जो कि क्षत्रिय राजा के जो ननकाना साहिब है उसको दान देने वाले राय बुलार वट्टी थे। हमारी कुर्बानी कितनी बड़ी है तुम्हें पता है कि जो ननकाना साहिब है जी राजपूतों ने दान किया हुआ है। उसके बाद अगर सिख भाइयों का अगर सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थान है गोल्डन टेंपल हरमिंदर साहिब, वहाँ पर राजा दयान सिंह की आज भी भूंगा है, भूंगा होती है जैसे बड़ी सी बनी हुई थी, आप सभी देख सकते हो। तो उसके वेस्टर्न साइड पर आप कभी भी जाओगे तो अलग अलग बूंगा बनी हुई है, तो वहाँ पर राजा दयान सिंह का भी नाम है। अगर गद्दार थे तो वो बूंगा कहाँ से आ गई, कल को ये गद्दार कोई नहीं था, ये इन्होंने जो इनके हिस्टोरियन हैं फेक हिस्टोरियन जिनको इतिहास का नहीं पता होता, पल्ला भट्टी जैसे वीर हो जिन्होंने मुगलों के साथ युद्ध लड़ा, और तुम्हारे जो 50 साल के राज में भी राजपूत ही सबसे ज़्यादा बहादुरी से उन्होंने कुर्बानी दी।